नमस्कार एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुमार शेखावत। आइए रुक करते कुछ विशेष खबरों की ओर। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हिंसा का कथित फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप की शनिवार को जेल से रिहाई हो गई। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। पटना बेउर में रिहाई के लिए आवश्यक कागज मिल जाने के बाद शनिवार दोपहर करीब 12:15 बजे वे जेल के बाहर आ गए। जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने उनका फूल व माला पहनाकर स्वागत किया। बेउर जेल के बाहर बड़ी संख्या में मनीष कश्यप के समर्थक पहुंचे थे। मनीष कश्यप एक खुले वाहन में बैठकर काफिले के साथ निकले। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए उनके समर्थक मनीष कश्यप से हाथ मिलाने और माला पहनाने को लेकर बेताब दिखे। मनीष कश्यप ने जेल से बाहर निकलने पर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वे डरने वाले नहीं हैं। कुछ लोग यह समझ रहे होंगे कि वे डर कर पत्रकारिता छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कलम के सिपाही किसी से नहीं डरते, किसी का मर्डर या चोरी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया, काला पानी की सजा दी गई, तमिलनाडु जेल भेज दिया गया। ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।